नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही तानाजी, मलंग, जवानी जाने मन, स्ट्रीट डांसर, पंगा और हेगड़े फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं हम लोग इन सभी फिल्मों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए फिल्म पंगा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 24 जनवरी के दिन रिलीज किया गया था। बताते चले दोस्तों आपको कि एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा और जस्सी गिल नजर आए थे। अश्विनी तिवारी अय्यर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 2,77,00,000 रुपए की कमाई की, जो कि दोस्तों कंगना रनौत की फिल्म के लिए काफी कम ओपनिंग है। हालांकि दोस्तों इस स्पोर्ट फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन दोस्तों तानाजी के कारण इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं देखी गई। अपने शुरुआती 3 दिनों में यह फिल्म लगभग 14 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही, वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने लगभग 21,36,00,000 रुपए कमाए। बात करें इस फिल्म के सेकेंड वीक की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में लगभग 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं आज अपने थर्ड वीक में भी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है और कमा रही है लगभग 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 30 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। हालांकि दोस्तों पंगा का जो बजट है वो लगभग 25 करोड़ रुपए का है। इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म बनकर रह चुकी है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए दोस्तों फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार वरुण धवन, ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही नजर आई थी। रेमो डिसोजा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 24 जनवरी को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,700 स्क्रीन्स मिली थी। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट का पार किया और कमाए लगभग 10,26,00,000 रुपए। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए। यही वजह रही दोस्तों कि यह फिल्म अपने पहले हफ्ते में ABCD 2 से भी कम कमाई करने में कामयाब रही और इस फिल्म ने कमाए 56,77,00,000 रुपए। सेकेंड वीक में भी दोस्तों यह फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई और इस फिल्म का जो सेकेंड वीक का टोटल कलेक्शन था वो रहा था लगभग 14,59,00,000 रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि वरुण धवन की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई है और यही वजह रही दोस्तों कि लगभग 85 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। अगर इस फिल्म के अभी तक के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें, तो दोस्तों इस फिल्म का जो 17 दिनों का इंडिया से नेट टोटल कलेक्शन था वो रहा था 73,56,00,000 रुपए का। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने 17 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। बजट है दोस्तों इस फिल्म का 85 करोड़ रुपए, इस हिसाब से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म हेगड़े के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक ड्रामा मिस्टीरियस फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको ब्यूटीफुल हिना खान, रोहन शाह और मोहित मल्होत्रा नजर आए हैं। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विक्रम भट्ट ने। 7 फरवरी को रिलीज होने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यूज दिए हैं। यही वजह रही दोस्तों कि ब्यूटीफुल हिना खान की इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई और कमाए 1,30,00,000 रुपए। वहीं अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 1,70,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में तो लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए यहाँ पर अगर इस फिल्म के 4th दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें काफी अच्छा होल्ड देखा गया है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने वर्किंग डे में आज अपने 4th दिन लगभग 60,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का 4 दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा 4,60,00,000 रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 6 करोड़ की कमाई कर चुकी है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का हालांकि 15 करोड़ रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस हफ्ते रिलीज हुई दूसरी फिल्म
मलंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको आदित्य रॉय कपूर और ब्यूटीफुल दिशा पाटनी नजर आई है। दोस्तों बता दें आपको कि मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को बेहद पसंद आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आदित्य रॉय कपूर के कैरियर की बिगेस्ट ओपनर साबित हुई और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी के अलावा आपको टैलेंटेड अनिल कपूर सर और कुणाल खेमू भी नजर आने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को जो स्क्रीन्स मिली है वो मिली है लगभग 1800। अब बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 6,71,00,000 रुपए, जो कि आदित्य रॉय कपूर के कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के शुरुआती 3 दिनों की, तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 8,89,00,000 रुपए, वहीं अपने तीसरे दिन कमाए 9,76,00,000 रुपए। इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 3 दिनों में तो 25,36,00,000 की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के चौथे दिन की, तो दोस्तों आज भी यह फिल्म इंडिया में काफी अच्छा होल्ड करने में कामयाब रही। वर्किंग डे होने के बाद भी दोस्तों यह फिल्म आज अपने चौथे दिन लगभग 4,00,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का जो 4 दिनों का टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा 29,36,00,000 रुपए का। बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज से यह फिल्म अपने शुरुआती 4 दिनों में लगभग 8,00,00,000 रुपए कमा चुकी है। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर यह फिल्म लगभग 34,00,00,000 की कमाई के साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 55 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों तानाजी के बाद अगर कोई सी फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है तो वो फिल्म होगी मलंग, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी रिकवर कर लिया होगा और साथ ही में एक हिट टैग भी ले चुकी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मलंग फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो कितना होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात कर लिया है दोस्तों फिल्म जवानी जाने मन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि एक इमोशनल कॉमेडी फिल्म है। बता दे चले दोस्तों आपको कि जवानी जाने मन को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले ही हफ्ते रिलीज किया गया था, जहाँ पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो काफी शानदार ओपनिंग ली थी और कमाए थे 3,24,00,000 रुपए, जो कि सैफ अली खान की कई सारी फिल्मों के बाद एक अच्छी ओपनिंग थी। बता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छे रिव्यूज दिए। यही वजह रही दोस्तों कि नितिन कक्कर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 12 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अपने पहले हफ्ते में यह फिल्म 20,21,00,000 रुपए की कमाई करने में सफल रही। बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीक की, तो दोस्तों इस हफ्ते कई सारी फिल्में रिलीज हुई, इसी वजह से सैफ अली खान की इस फिल्म की जो स्क्रीन थी उसे कम कर दिया गया। उसके बावजूद भी दोस्तों यह फिल्म अपने 8वें दिन 1,04,00,000 रुपए की कमाई करने में सफल रही। अपने 9वें दिन इस फिल्म ने कमाए 1,58,00,000 रुपए, वहीं अपने 10वें दिन इस फिल्म ने कमाए 1,67,00,000 रुपए। इस तरह से इस फिल्म का 10 दिनों का जो टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था 24,50,00,000 रुपए का। आज दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन है और आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के 11वें दिन के जो कलेक्शन है वो भी लगभग 60,00,000 रुपए के आ रहे हैं। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 25 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 35 करोड़ की कमाई के साथ सैफ अली खान के लिए एक एवरेज फिल्म साबित हो चुकी होगी। तो दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए फिल्म तानाजी के 32 दिनों के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि तानाजी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी को रिलीज किया गया था, उसके बाद दोस्तों आज 32 दिन हो चुके हैं। इस बीच में जितनी भी फिल्में आई है सब तानाजी के आंधी में फ्लॉप हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह रही दोस्तों कि अजय देवगन सर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15,10,00,000 की कमाई की, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिला, वैसे वैसे इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें काफी शानदार ग्रोथ देखी गई। इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 ही दिनों में 62 करोड़ रुपए कमा लिए थे, साथ ही में अपने पहले हफ्ते में यह फिल्म 118,91,00,000 रुपए कमाने में सफल रही। सेकंड वीक में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की, जबकि दोस्तों सेकंड वीक में कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, उसके बावजूद भी यह फिल्म अपने सेकंड वीक में 78,54,00,000 रुपए कमाने में सफल रही। बात की जाए इस फिल्म के थर्ड वीक की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने थर्ड वीक में कमाए 40,42,00,000 रुपए। फोर्थ वीक कलेक्शंस की बात की जाए तो इस फिल्म ने अपने फोर्थ वीक में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दंगल,
उरी और बाहुबली 2 जैसे बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और कमाए 21 करोड़ 65 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग फिफ्थ वीक कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि ये फिल्म अपने 5वें हफ्ते में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। अगर इस फिल्म के 29वें दिन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 29वें दिन कमाए 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 30वें दिन कमाए 2 करोड़ 76 लाख रुपए, वहीं अपने 31वें दिन इस फिल्म ने कमाए 3 करोड़ 45 लाख रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 31 दिनों तक 267 करोड़ की कमाई कर चुकी थी। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 32वां दिन है और आज की ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की अपने पहले ही दिन की तरह है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने 32वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए की शानदार होल्ड कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 268 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। बताएं दोस्तों आपको कि यह फिल्म कबीर सिंह के 278 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने में मात्र 10 करोड़ और कम है। तो आने वाले दोस्तों कुछ ही समय में यह फिल्म कबीर सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी और इंडिया की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इस तरह से अजय देवगन की यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों आपको इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।